उज्जैन जोन एडीजी योगेश देशमुख के द्वारा चैनल के माध्यम से बताया गया कि समाज में अपराध के कई स्वरूप होते हैं, हम उन पर कार्रवाई करना अति आवश्यक है। इस दौरान पुलिस जब किसी प्रकार से अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई करती है तो डेफिनेटली अपराधियों का ग्राफ जीरो की ओर जाएगा, समाज में पुलिस के प्रति विश्वास आएगा। अपराध शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण या समाज में दहशत फैलाने वाला हो, संपत्ति संबंधित हो, असामाजिक तत्वों पर या माफियाओं पर हो, ऐसे में लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग होना जरूरी है। उज्जैन संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक अपनी अपनी टीम के साथ अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर काम कर रहे हैं। आज उज्जैन संभाग की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से अपराधियों का ग्राफ जीरो की ओर बढ़ते चला जा रहा है। देखिए, समाज में अपराध के बहुत से रूप स्वरूप होते हैं और हर किसी में हमको कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस होती है। निरंतर पुलिस मुख्यालय से भी इसको मॉनिटरिंग किया जाता है, तो हर तरीके के अपराध हों, चाहे वो बॉडी ऑफेंसेस हों, चाहे वो शारीरिक संबंधी अपराध हों, चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हों, चाहे कानून व्यवस्था हो, सभी को सुदृढ़ और अच्छे से कामयाबी के तरीके से इस पर निपटने के लिए सभी जिले हमारे एक्टिव हैं। सभी एसपीज अपनी टीम के साथ निरंतर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे अपराध रोके जा सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स की आवश्यकता है, वहाँ पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। देखिए, ये कुछ दिनों पहले बड़ी दर्दनाक घटनाएं घटी हैं और उसको लेके एक विशेष अभियान सब जगह चलाया गया है। बहुत ही डीप और गहराई से इन सब की प्रकरणों की जांच की जा रही है, रेड्स किए जा रहे हैं और पूरा जो नेटवर्क है इसको नष्ट नाबूद करने के लिए पुलिस कटिबद्ध है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में इस पर अंकुश जरूर लगेगा। जगदीश परमार की खास रिपोर्ट।